नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय भीम। अंबेडकर नामा के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 12वें एपिसोड में हमने डॉक्टर अंबेडकर साहब के जो भाषण थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उसकी चर्चा की थी, और 13वें एपिसोड में हमने उनके लखनऊ आजाद भारत में लखनऊ के अधिवेशन में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्यों कांग्रेस सरकार को ज्वाइन किया, इसकी चर्चा हमने की थी। आपको याद होगा जैसा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय हुआ था कि 9 उप समितियां बनेंगी, तो उस 9 उप समितियों में एक समिति को छोड़कर, वो था फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी, उसको छोड़कर बाकी सारे 8 समितियों में, कमिटीज में, डॉक्टर अंबेडकर को शामिल किया गया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था माइनॉरिटीज कमिटीज, और इसका कार्य सबसे कठिन था, और इसकी कठिनता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड खुद इस कमिटी की अध्यक्षता कर रहे थे। तो यह समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट वो कमिटी था, माइनॉरिटी सब कमिटी। सो इस कमिटी की कार्रवाई अस्पृश्यों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, डिप्रेस क्लासेस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस और अनटचेबल्स के बीच, अस्पृश्यों के बीच ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच जो कटुता है लगातार तीव्रतर होती गई, बढ़ती गई। अगर इस सब कमिटी के प्रोसीडिंग्स को आप खंगालेंगे तो आपको उसमें उसके अवयव, वहां पे उसके प्रमाण मिलेंगे, दोनों के बीच कटुता क्यों बढ़ी। आपको यह ध्यान होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जब हुई तब अनटचेबल्स को छोड़कर, डिप्रेस क्लासेस, अनटचेबल्स, अस्पृश्यों को छोड़कर बाकी समुदाय की राजनीतिक मांगे सब सर्वविदित है, वेल नोन है कि हिंदू मुस्लिम का सवाल था और कम्युनिटीज का सवाल था। अगर इसको समझना है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का आपने नाम सुना होगा, और उन्होंने जो भारत जब आए थे तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, जो रिपोर्ट दिए थे, उसके आधार पर 1919 का वो संविधान बना था। तो उस रिपोर्ट में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में, वास्तव में अगर ध्यान से उसको देखें तो वो 1919 के संविधान की का एक तरह से बैकग्राउंड है कि उस रिपोर्ट में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड ने जो डिप्रेस क्लासेस हैं, अस्पृश्य हैं, उनको एक पृथक वैधानिक श्रेणी के रूप में स्वीकार किया था, एक सेपरेट कैटेगरी के रूप में, एक सेपरेट स्टैट्यूटरी कमिटी के रूप में उनको स्वीकार किया था, और उसमें उनके सुरक्षा का प्रावधान किया गया था कि उनके उनको सेफगार्ड चाहिए। जो उन्होंने स्टडी की थी उसके हिसाब से डिप्रेस क्लासेस को, एक्सप्लॉइटेड क्लास है, उनको सेफगार्ड चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, सेफगार्ड, तमाम ये बातें उसमें की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब 1919 का संविधान बना, जब वो डिटेल्स जब उनके फ्रेम हो रहे थे, तब भारत सरकार ने उनके सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रावधान उसमें नहीं किए। रिकमेंडेशन में था, लेकिन जब 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि उस समय डिप्रेस क्लासेस का आंदोलन बहुत तेज नहीं था। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी या अन्य जो दबाव समूह थे उनका उन पर प्रेशर ज्यादा था, कि जो कि खास तरीके के वर्गीय हित और जातीय हित को, वर्गीय हित और जो कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन से खास तरह का उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसलिए इसको इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि रिकमेंडेशन के बावजूद जब 1919 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें डिप्रेस क्लासेस के लिए कोई सेफगार्ड की व्यवस्था नहीं की गई, हालांकि टोकन के तौर पे ये प्रावधान किया गया कि विधानमंडलों में डिप्रेस क्लास के कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया जाएगा। एक टोकन के तौर पे था कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये था पूरा बैकग्राउंड डिप्रेस क्लासेस के मूवमेंट को समझने के लिए। आपको ये थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब सरकारें बदलती है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं चेंज करता है, वो स्कूल में सबसे पहले कहता है इतिहास की किताबें बदलो, क्योंकि इतिहास ही जो है वो क्या है, हिस्टोरियंस आर ट्रेजर ऑफ नेशनल मेमोरी,
कि सारे इतिहासकार कब्र खोद के निकालते हैं, कुछ कुछ चीजों को दबाते हैं, तो इसलिए इतिहास जानना बहुत बेहद जरूरी है। अब जब अंबेडकर माइनॉरिटी सब कमिटी में आए तो उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था? उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि कैसे डिप्रेस क्लासेस के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए संविधान में प्रावधान किए जाएं, संविधान में क्या क्या प्रावधान किए जाएं। तो अंबेडकर लिखते हैं कि माइनॉरिटी कमिटी की ओर से हमने राउंड टेबल कमिटी, जो मेन कमिटी थी, उसको एक पूरा मसविदा, एक पूरा ज्ञापन रिपोर्ट तैयार करके दिया। उस रिपोर्ट का जो नाम है वो मैं यहां लिए देता हूं कि आपको सहूलियत होगी। वो रिपोर्ट है स्कीम ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंडिया। स्कीम, आई रिपीट, स्कीम ऑफ पॉलिटिकल सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस क्लासेस इन द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंडिया। ये इस टाइटल से उन्होंने राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस की जो मेन कमिटी थी उनको मेमोरेंडम सबमिट किया। अगर इसको आप पढ़ेंगे बहुत विस्तार से है, डिटेल्स में है, लेकिन मैं उनके हाइलाइट्स आपके बीच सिर्फ रख देता हूं, क्या क्या उसमें बात उसमें की गई थी, हाइलाइट्स रखूंगा। बाकी विस्तार से देखने के लिए मैं किताब का पेज नंबर बताऊंगा, आप किताब में जाएंगे और उसको ढूंढेंगे। तो इस तरह से कुछ खास हाईलाइट बिंदु कि पहली बार भारत के इतिहास में ये घटनाक्रम हो रहा था, पहली बार, हिस्टोरिक मोमेंट। इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्वराज संविधान बना था, जिसको पंडित मोतीलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में तैयार की गई थी जब साइमन कमीशन आया था, तो वो स्वराज संविधान को उठाना चाहिए और अंबेडकर साहब ने जो रिकमेंडेशन दिया था दोनों को उठाना चाहिए और उसका एक कॉम्परेटिव एनालिसिस होना चाहिए कि दोनों का कैरेक्टर क्या है, कौन ज्यादा प्रोग्रेसिव है, कौन ज्यादा लिबरल है, कौन ज्यादा डेमोक्रेटिक है, किसमें सबके हितों का ख्याल रखा गया है। तो इसके हाइलाइट्स जो है कुछ इस प्रकार है, इक्वल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि भारत, अपने भाषण में, कि भारत में जो समाज है वो स्तरीकृत समाज है, डिफरेंट लेवल पे है, और उसमें उस समाज में जो जिस खाने में पैदा होता है बाद में उन्होंने लिखा उसी में मर जाता है, उसमें कोई मोबिलिटी नहीं है और इसमें न बंधुता है न समानता का सिद्धांत है। तो इसलिए पहली बार ऐतिहासिक है, गौर से सुनिएगा, इक्वल सिटीजनशिप, कानून के सामने सब नागरिक बराबर होंगे और सब नागरिक के कुछ मौलिक अधिकार होंगे, नंबर वन। नंबर टू, फ्री एंजॉयमेंट्स ऑफ इक्वल राइट, देश के सारे लोग, नागरिक अपने इच्छा से अपने अधिकार का उपभोग करेंगे, किसी को कोई रोक नहीं सकता है जो राइट्स उनको दिए गए। देन नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस एंड सोशल बायकॉट। इस सेक्शन में जब आप जाएंगे तो देखेंगे वो बार बार उसको कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड क्लास को अगर किसी को उत्पीड़न करना हो तो ये जो सवर्ण हिंदू होते हैं उनका सामाजिक और आर्थिक बायकॉट कर देते हैं और इससे बड़ा घातक हथियार कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए एक एक चीज उन्होंने उस रिपोर्ट में रखा है कि सोशल एंड इकोनॉमिक बायकॉट कैसे होता है। देन ऑफेंस ऑफ बायकॉट डिफाइंड, उनको जो ऑफेंस है बायकॉट करने के, जो अपराध हैं, उनकी एक एक बारीकी से परिभाषा उन्होंने लिखी है। अगला, पनिशमेंट फॉर बायकॉटिंग, इसके लिए क्या सजा होगी अगर सामाजिक, किसी अस्पृश्य व्यक्ति का आप सामाजिक आर्थिक बहिष्कार करते हैं तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान होगा। देन यही नहीं, आगे देखिए, पनिशमेंट फॉर थ्रेटनिंग ए बॉयकॉट, कि अगर आप उसको थ्रेटन, धमकाते हैं कि हम बॉयकॉट कर देंगे, ये भी अपराध माना जाएगा। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो जातीय भेदभाव है उसके खिलाफ संविधान में प्रोटेक्शन होना चाहिए, ये भी सारी बारीक बात उन्होंने उसमें बताई है। देन नेक्स्ट, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, विधान मंडलों में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। फिर एजुकेट रिप्रेजेंटेशन इन सर्विसेज, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। यहां नोट कीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर यहां
रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आबादी के अनुपात में वो रिप्रेजेंटेशन वहां होना चाहिए। रिजर्वेशन नहीं, आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए। देन नेक्स्ट, रिड्रेस अगेंस्ट प्रिजुडिशियल एक्शन। अगर प्रिजुडिस होकर कोई एक्शन आप लेते हैं या उनके जो इंटरेस्ट है उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो उसके बारे में क्या क्या रिड्रेसल हो सकता है। देन स्पेशल डिपार्टमेंटल केयर, स्पेशल डिपार्टमेंटल केयर कि एक अलग विभाग बनना चाहिए। देन डिप्रेस क्लासेस एंड द कैबिनेट कि सिर्फ विधायिका में विधानमंडल में जाना ही पर्याप्त नहीं है, डिप्रेस क्लास का जो मंत्रालय बने मंत्री बने उसमें पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हमने यहां हाइलाइट्स किए हैं और आप ये देखेंगे कि भारत के इतिहास में ये विमर्श पहली बार डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू किया। इसलिए जो लोग कहते हैं कि संविधान कटपेस्ट है उनको कम से कम ये सब कमिटी का रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए और स्वराज संविधान की कॉपी भी उठानी चाहिए और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके देखना चाहिए कि कॉपी पेस्ट क्या होता है। ये बेसिकली जो अंबेडकर लिख रहे हैं उनका उनके ऊपर पूरा, चूंकि वो अमेरिका में पढ़े थे, वो ब्रिटेन में पढ़े थे, दुनिया भर के यात्राओं का अनुभव था और बहुत पढ़े थे, मतलब ऐसा वैसा नहीं, दो दो पीएचडी उन्होंने किया था विश्व के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से। तो उनके ऊपर यूरोपियन लिबरलिज्म, यूरोपियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो दुनिया में तमाम जो परिवर्तन हो रहे थे उन सबका प्रभाव था कि वो कानून की नजर में सबको बराबर देखना चाहते थे, जबकि यहाँ के जो रूलिंग क्लास के लोग थे, जो डोमिनेंट सेक्शन के लोग थे, वो कानून के नजर में वो बराबर नहीं देखना चाहते थे। इसलिए बार बार अंबेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की कि वयस्क उसमें कोई प्रॉपर्टी या एजुकेशन का कोई उसमें कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट ही सब बात, इसलिए कॉपी पेस्ट करने वाले बेसिकली वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं और चूंकि हम लोग को जानकारी नहीं होती है, हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, मैं अभी पढ़ रहा हूं तो जैसे जैसे पढ़ रहा हूं आपसे साझा कर रहा हूं, हमने पढ़ा भी नहीं है इसलिए उसको काउंटर हम नहीं कर पाते हैं। ये जो सब बातें हैं 1935 के संविधान की ये पूर्व पीठिका बनी, 1935 के संविधान का बैकग्राउंड बना और यही जो है आगे चलकर 1950 जो नया संविधान बनता है, जो 50 में लागू होता है, उसके बैकग्राउंड भी। इसलिए इस भारतीय संविधान को वो क्रिएशन नहीं था, दो साल तीन साल का कोई क्रिएशन नहीं था, दैट वॉज द एवोल्यूशन, वो उसका विकास हो रहा था, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय से ही लगातार डॉक्टर अंबेडकर उस पे लगे हुए थे। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको समझे जाने की जरूरत है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं और इसको आप जानने के लिए, आप जो मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं इसको जानने के लिए डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो कॉपी कलम उठाइए और नोट कीजिए, वॉल्यूम 17 पार्ट 1, वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर पेजेस 80-92, ये नोट कर लीजिए 80-92। तो ये इन्होंने सब कमिटी में इन्होंने दिया और इसके बाद जो जो कॉमनल क्वेश्चंस हैं, जो सांप्रदायिक सवाल थे हिंदू और मुसलमान के, चाहे एंग्लो इंडियन के, चाहे क्रिश्चियंस के, उस सांप्रदायिक सवाल के समाधान के लिए मुस्लिम डिप्रेस क्लासेस, क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड एग्लो इंडियन, इस चार समुदायों ने मिलकर एक ज्वाइंट मेमोरेंडम दिया, संयुक्त ज्ञापन ब्रिटिश हुकूमत को, और उस संयुक्त ज्ञापन के साथ साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी दिया गया कि उसमें क्या क्या बात है उसको एक्सप्लेन किया गया। दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, एक ज्वाइंट मेमोरेंडम और एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर वापस लौटते हैं मुंबई, और इन मुंबई जब लौटते हैं तो वहां क्या होता है, मुंबई में क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन एक्शन है, ये सब जानने के लिए, या फिर ज्वाइंट जो मेमोरेंडम है उसको जानने के लिए और सप्लीमेंट्री एक्सप्लेनेटरी जो मेमोरेंडम है उसको जानने के लिए, और अंबेडकर के आने के बाद क्या घटनाक्रम हुआ, इन सबको जानने के लिए कीप वॉचिंग लाल की क्लास। लाल की क्लास आप देखते रहिए, छोटे छोटे वीडियोस में आपको बड़ी बड़ी कहानी बताएंगे और उम्मीद करता हूं कि ये अगर कहानी अच्छी लगे, अच्छा लगे, बढ़िया लगे तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, उसमें घंटी भी आता है उसको घंटी ऑन कर देना है,
इसलिए ऑन करना है कि जब भी नया कोई वीडियो हमारा डले तो आपको नोटिफिकेशन वहां पहुंच जाए। नोट कीजिए, हमारे बहुत सारे साथी, मैंने आंकड़ा देखा है डेटा कि बहुत सारे साथी नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हैं, तो उसको ऑन कीजिए कि ज्यादा से मेरे पास, मैं हूं, आप हैं, इसके अलावा ना कोई संसाधन है, मेरा मोबाइल फोन है, मेरे घर के लोग हैं, और जो पढ़ता समझता हूं इसी सीमित संसाधन में आपके बीच लेकर आता हूं। तो कीप शेयरिंग, ज्यादा से ज्यादा इसको आप शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाएं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच ये बात पहुंच सके। शुक्रिया साथियों। और मैं YouTube के अलावा मैं सोशल मीडिया के कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हूं, आप मुझसे मिल सकते हैं। Facebook पे रतनलाल आप टाइप करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा ऊपर, देन Twitter पे रतनलाल72 और Instagram पे dr.ratan.lal, इस पे भी आपसे मुलाकात हो सकती है। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर कल मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।